जो सूर्य का वो भी डॉक्टर है, वो दोनों आए हैं, तो उनका पहले आप स्वागत करें। दीदी दादो सर और सूर्य का बहन का गुलदस्ता देके स्वागत करें। अभी आपने जो डॉक्टर है ना सुनील यादव सर, कौन कौन पहचानते हैं आपने? हाँ, क्योंकि लास्ट महीने में उन्होंने अपना इधर प्रोग्राम रखा था, यानी वहाँ पे उन्होंने कम से कम 70 लोगों को 10 दिन की फ्री दवा दी थी और चेकअप भी किया था, तो बहुत जन जानते हैं। तो संक्षिप्त परिचय है उनका, उनका नाम है सुनील वेंकटराव यादव और उनका हॉस्पिटल है नवी मुंबई में रामनगर में, और उनका हॉस्पिटल का नाम बहुत अच्छा रखा है उन्होंने, वो उनके पिताजी के नाम से रखा है, श्री वेंकटेश होलिस्टिक पैरालिसिस सेंटर। मैं गया था एक दो बार, बहुत अच्छा है, दवा आदि बहुत भरपूर इनके पास है और डॉक्टर सेवाभावी है, अंदर से एकदम उनकी जो भावना है ना, आत्मिक भावना से वो सेवा करते हैं, मैंने देखा है। मेरा भी परिचय अभी हुआ जब उन्होंने यहाँ पे अपना कैंप रखा था तभी से। उनका शालेय शिक्षण जिला परिषद स्कूल पेटवाड़ा जिला नांदेड़ में हुआ है, और उच्च शालेय शिक्षण उनका राजश्री शाहू महाविद्यालय लातूर में हुआ है, और पदवी उनकी हुई है DMM आयुर्वेद महाविद्यालय यवतमाल। अब पदवी का अभ्यासक्रम का उनका हुआ है पंचकर्म थेरेपी साइंस आयुर्वेद महाविद्यालय मुंबई, और पदवी फिजियोथेरेपी कोर्स उनका हुआ है आशीर्वाद योग नेचुरोपैथी इंस्टीट्यूट नासिक में हुआ है, और उनका महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर MCA का उनका ये हुआ है, शासन मान्य एक्यूपंक्चरिस्ट उनका वो डिग्री है। ओजन फोरम ऑफ इंडिया द्वारा ओजन थेरेपी कर्म का भी किया है ओजन थेरेपी का, और साथ साथ उनको अवार्ड भी मिला है बेस्ट रेफरल डॉक्टर DOT नवी मुंबई महानगर पालिका, उनको ये अवार्ड जो मिला है वो। बाद में आयुर्वेद दूत पुरस्कार आयुर्वार्ता प्रबोधिनी थाने में मिला है, और फिर सकाल आइडल ऑफ महाराष्ट्र ये सकाल मीडिया ग्रुप से उनको भी अवार्ड मिला हुआ है। क्लोटिन वेलनेस आइकॉन ACM अहमदाबाद से उनको ये मिला हुआ है, और सिल्वर बेस्ट हीलर अवार्ड 11th इंटरनेशनल एक्यूपंक्चर कॉन्फ्रेंस में ये उनका भी यहाँ पे भी मिला है। ऐसे डॉक्टर विविध जगह पे उनका ये रहता है, कैंप रहता है, तो वो कैंप में वो मैंने देखा है डॉक्टर ऐसे, और भी डॉक्टर के पास मैं आयुर्वेदिक में गया था, बट वो डॉक्टर क्या होता है आयुर्वेदिक का शॉप होता है और अंदर डॉक्टर एक दो घंटे के लिए बैठता है, वो डॉक्टर अपना अपने से ही पूछेगा क्या होगा क्या नहीं कैसा होगा, दवा लिख के देगा और बोलेगा मेरा 300-400 फीस दे दो और जब बाकी जाके वहाँ दवा ले। बट मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर के पास जो भी पेशेंट आते हैं वो कोई काउंसिलिंग का फीस नहीं लेते,
जो दवा का जो उनका चार्ज है उतना ही चार्ज करते, तो ये बहुत अच्छा हमने गुण है। और सेकंड संडे वो पुणे में उनका कैंप रहता है एवरी मंथ सेकंड संडे। और थर्ड संडे नांदेड़ में रहता है, नांदेड़ 14 आवर्स लगता है जाने में, तो हर मंथ में, ये कोई कभी कम संडे नहीं है, हर मंथ के संडे में। और फोर्थ संडे परवनी, अभी 28 तारीख को जाके आए, वहाँ जाके उधर के कोई सहयोगी है उनसे वो सब पेशेंट की वो सेवा करते हैं, जो दवा देना है जो देते हैं। ऐसा नहीं है कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेवे और पेशेंट को देवे, ये भावना उनमें नहीं है, मैंने खुद देखा है। अभी वो अपने को अपना आहार कौन सा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आजकल देखेंगे आहार लेने से उल्टा सुल्टा बीमारी बढ़ रही है, तो अभी इस आहार से इतनी बीमारी बढ़ रही है, तो ये कौन सा आहार कभी लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए, उसके ऊपर आहार के ऊपर वो अभी शिविर करेंगे, क्लास करेंगे। और ऐसे वो बहुत सारे जगह पे शिविर करते हैं फ्री में, कोई पैसा नहीं चाहते। तो ऐसे अपने डॉक्टर सुनील भाई से हम लोग अच्छा आहार के बारे में हम सुनेंगे। और दूसरी गुड न्यूज है कि डॉक्टर साहब को कम से कम 10 साल हो गया होगा परिचय में, हाँ ब्रह्मा कुमारी का परिचय मिलके रवि भाई ने दिया था, 10 साल तो हो गया, तभी से उनके पीछे बाबा पड़ा है, पर उनको उनका समय नहीं था या उनको कुछ ड्रामा अनुसार नहीं आना होगा, तो अभी उनको बाबा ने टच करवाया और डायरेक्टली यहाँ पे अपने इधर प्रोग्राम करके सब अपना चेकअप करके सबको दवा दिया था डॉक्टर ने, तभी से थोड़ा अभी बाबा के कनेक्शन में है। और अच्छी गुड न्यूज है कि वो 21 तारीख को डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस में माउंट अबू ले जा रहे हैं, तो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा दवा दे के दुआ भी कमाएंगे और दवा भी देंगे और सबको ठीक कराएंगे, इसीलिए उनका हम फिर से तालियों से स्वागत करेंगे। और मैं उनको निवेदन करता हूँ कि आप अपने देवी का स्मरण करते हुए उनके आज का लेक्चर आहार के ऊपर है, और उनकी देवता अन्नपूर्णा ही है, उनको आह्वान करते हुए आज आहार ही औषध इस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले दीदी का थैंक्स कि ये मुझे दूसरा मौका मिला आपकी सेवा करने का। आज का जो लेक्चर रहेगा आहार के ऊपर, ये अपना बेसिक लेक्चर है, अपनी हिंदू सनातन संस्कृति में आहार का क्या महत्व है, उसका ग्रंथोक्त क्या रेफरेंस है, और आज की मॉडर्न लाइफ में वो कितना सटीक और साइंटिफिक है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप सभी मानव भावों को प्रणाम करते हुए हम अन्नपूर्णा देवी का आह्वान करेंगे। मैं आपको सभी को विनंती करता हूँ कि आप जैसे भी बैठे हैं सुखासन में बैठिए, आँख बंद करिए, हम देवी का मंत्र बोलने जा रहे हैं। नॉर्मल सांस लीजिए, रिलैक्स हो जाओ, ध्यान मुद्रा लगाते हुए
मैं पहले बोलूंगा, उसके बाद में आपने बोलना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राणवल्लभे, शंकर प्राणवल्लभे, शंकर प्राणवल्लभे, शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम्, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम्, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम्, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम्, दीक्षां देहि पार्वती, दीक्षां देहि पार्वती, दीक्षां देहि पार्वती, दीक्षां देहि पार्वती, अन्नं ब्रह्म इति, अन्नं ब्रह्म इति, अन्नं ब्रह्म इति, अन्नं ब्रह्म इति, ॐ अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णाय नमः, अन्नपूर्णाय नमः। रिलैक्स मीडम, आप बोलो। ये थोड़ा इंटरैक्शन सेशन होगा, ये कोई लेक्चर, ज्ञान की वर्षा ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी जानते हैं आहार के बारे में, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा शास्त्र में लेके जाना चाहता हूँ। हजारों साल की हमारी परंपरा है, हजारों साल से हम खाना खा रहे हैं। वो टाइम 5,000 साल पहले क्या था और आज सो कॉल्ड मॉडर्न, आज हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दैट वो आपको मैं सद सद विवेक बुद्धि आपके ऊपर सौंपता हूँ। वही रोटी, वही चावल, वही दाल, लेकिन क्या फर्क हुआ है, पहले क्या था, ठीक है। तो स्वास्थ्य हमारा जो हेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं, तो स्वास्थ्य किसके ऊपर डिपेंड है, बोलिए, आहार के। व्हाट इज मीन बाय आहार, डाइट, व्हाटएवर, कोई बता सकता है कि आहार किसे कहते हैं, अपने लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में जो बोलना है उसी लैंग्वेज में बोलिए, आहार किसे कहते हैं। कोई भी एक जन उठ के बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो चीज हम खाएंगे उसी को आहार बोलते हैं, ठीक। और कोई उसमें करेक्शन या एडिशन, नहीं वो तो बाद में रहेगा, लेकिन आहार मीन्स वन। शास्त्र में कहा गया है, वो संस्कृत में था, आहारियते इति आहारा अन्न पानादिकम सर्वम। अन्न भी है, पान भी, मीन्स जो हम लिक्विड्स लेते हैं वो सब मिला के, वॉट इज गुड वॉट इज बैड तो बैड में आएगा, शुद्ध अशुद्ध वॉट एवर, उसी को आहार बोलते हैं, ठीक है। अभी आहार लेने के बाद में उसको आगे बताया गया है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम में जाता है, वो सिस्टम के बाद में वो ट्रांसफॉर्म होके हमारा जो जीव है किसी के ऊपर डिपेंड है, जीव किसके ऊपर डिपेंड है, नहीं आहार, ठीक है, ओके। और कोई बोलाएगा आहार किसके ऊपर, सॉरी अपना लाइफ किसके ऊपर डिपेंड है, प्राण शक्ति, वाइटल एनर्जी, ठीक है। अब वो वाइटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड है, प्राण, प्राणो अन्न पानादिकम सर्व, प्राण अन्न ये आहार के ऊपर डिपेंड है, अन्न में सब आया। अभी प्राण को यदि ताकत देनी है तो हमको अच्छा सा आहार खाना पड़ेगा, तो कौन सा रहेगा अच्छा आहार, आहार कौन सा अच्छा रहेगा, सात्विक, फॉरेन लैंग्वेज में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स। और आयुर्वेद इसको जरा डिफरेंट एंगल से देखता है, आयुर्वेद नेवर बॉदर अबाउट कैलोरीज एंड ऑल दैट, न्यूट्रिशन एंड ऑल दैट, फर्स्ट प्रकृति, अपनी प्रकृति कैसी है। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष बोले गए हैं, सप्त धातु बोले गए, 3 मल, बाद में इसको पोषण करने के लिए, भरण करने के लिए, दैट इज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, ओके, वो करने के लिए हम आहार लेना चाहिए। उसमें दूसरा फैक्टर आता है वय, देन लिंग, सब घोड़े 12% नहीं है, सब कैलोरीज में देखा जाए, सबको प्रोटीन पाउडर खिलाते हैं, बच्चों को भी वही, यंग एडल्ट्स को भी वही, हम ऐसा नहीं देखेंगे,
बच्चों का प्रोटीन थोड़ा सा अलग रहेगा उसके वय के अनुसार। बाद में आता है लिंग, स्त्री है पुरुष है, ठीक है। बाद में आता है देश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हम भूल गए हैं। इन अवर इंडियन ट्रेडिशन दसा देश दसा भेष, त्यास बरोबर उसके साथ में आता है अन्न। आज देखो आप अपना जो इंडियन कंट्री है, साउथ में जाएंगे तो फूड कल्चर इज वेरी डिफरेंट, मध्य में जाएंगे तो वेरी डिफरेंट, और यूपी एमपी साइड में जाएंगे तो इट्स ऑल्सो डिफरेंट। तो कैसे खाना चाहिए? देश के अनुसार खाना चाहिए, जो देश में अनाज आता है उसके हिसाब से। हाँ, हम कभी कभार इडली डोसा खा सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, बट नॉट एज अ रूटीन, बिकॉज वो हमारे लिए साथ में नहीं है। वो किन के लिए साथ में है? जो साउथ में रहते हैं। अभी वेस्टर्न में जो कोस्टल एरिया है उनका चावल और मछली के सिवाय तो जमता नहीं, हम तो बंद करवाते हैं बहुत सारे, लेकिन वो साथ में है इसलिए उनको बंद करना जरूरी नहीं है, दैट इज गुड फॉर हिम, ठीक है। उसके बाद में स्वास्थ्य की परिभाषा करते समय आयुर्वेद का प्रयोजन बताया गया, क्या है? प्रयोजनम च अस्य स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम, फर्स्ट सेंटेंस दिया है। दूसरा क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम च, माने पहली जिम्मेदारी आप खुद की है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। बाद में यदि कुछ गलत होता है किसी प्रभाव के कारण, काल के कारण, वय के कारण, तो फिर डॉक्टर का रोल आता है। लेकिन आज की तारीख में हम पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य की किसके ऊपर थोप देते हैं? डॉक्टर्स के ऊपर थोप देते हैं। इट इज वेरी रॉन्ग टू से, वो तो बैठे ही हैं, ठीक है, जस्ट थप्पा मार दिया, यू आर डायबिटिक, जिंदगी भर गोली खाओ। हम गोली खाने के लिए आए हैं कि जिंदगी जीने के लिए आए? तो ये ध्यान में रखना है, वॉट हैपन्स दैट इज डिफरेंट, ठीक है। अब अन्न के बारे में जो अपना तैतरीय, आरण्यक और या उपनिषद, इसमें बहुत डिटेल से वर्णन आया हुआ है। तो अन्न की उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। सबसे पहले परमात्मा, परम आत्मा से आत्मा, आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से भूमि, भूमि यानी पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि यानि वनस्पति, ठीक है, औषधि से अन्न, अन्न से पुरुष यानी आप लोग, हम लोग, पुरुष प्रकृति जो सिद्धांत है ना, वो वाला पुरुष, पुरुष माने जेंट्स नहीं। तो इतना डिटेल वहां बोला गया है। अब दूसरी बात, अन्नात् भवन्ति भूतानि, गीता में तीसरे श्लोक में चौदहवें, तीसरे अध्याय में चौदहवें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि सब अन्न से उत्पन्न हुए हैं जीव जंतु। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नम्, अन्न कैसे बनता है? पर्जन्य से बनता है, वो आगे बताते हैं। दूसरा, अब ये बोलते हुए किसी ने पूछा कि फिर आपका प्रेजेंस कहाँ पर है, हमको दिखाई नहीं पड़ते हो। तो 15वें अध्याय में 13वें श्लोक में जब बोलते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कोई बताएगा श्लोक? अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं कहाँ हूँ? मैं वैश्वानर के रूप में आपके अंदर स्थित हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा, वैश्वानर मीन्स व्हाट, कोई बताएगा? संस्कृत है थोड़ा सा, वैश्वानर, मराठी में भी वर्ड आता है वैश्वानर, अग्नि, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार 13 अग्नि बोले गए हैं, और सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस वाला अग्नि है जाठर अग्नि, जिसे डाइजेस्टिव फायर बोलते हैं। वो यदि ठीक है तो हम सब ठीक है। अब भगवान ने बोला है कि मैं वैश्वानर हूं, जाठर अग्नि में स्थित होकर आप जो भी ले रहे हैं उसका पाचन करने का काम मैं करता हूँ। पचामन्यम चतुर्विधम, चार प्रकार के जो आप अन्न लेते हैं, कौन से चार प्रकार के? चोष्य, लेय, पेय और भक्ष्य, चूसने वाला, पीने वाला, तोड़ के खाने वाला, चाटन करने वाला, एक चार चार प्रकार के, वो बाद में देखेंगे। तो उसका भी पाचन मैं करता हूँ। तो अब बताइए हमारे अंदर उसका जो अंश है, ठीक है, अभी किसी मंदिर में जाएंगे, सत्यनारायण की पूजा में देखेंगे,
अब भगवान को भोग चढ़ाना है, सिंपल। कोई बताएगा कैसे चढ़ाते हैं? पहले घर की सफाई, रंगोली वगैरह सब पवित्र मन से, अच्छे साफ सुथरे कपड़ों से, सात्विक मन से हम वो जो भोग चढ़ाने वाली चीजें होती है वो बनाते हैं, और उसके बाद में विधि विधान से, मंत्र के उच्चार से, कोई भी, तब जाके भोग चढ़ता है। अब बताओ, आत्मा ये परमात्मा का अंश है, उसको कैसा भोग चढ़ना चाहिए? क्या हम भोग की थाली में मैगी डालेंगे, चिप्स डालेंगे? ओके, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब बताइए, ये भोग यदि उनको नहीं चढ़ पाता तो हमको कैसे चढ़ पाता? हमको क्यों खिला रहे हो ये सब? आप शरीर के लिए खा रहे हो कि टेस्ट यानी टंग के लिए खा रहे हो? हम जिंदगी भर कभी भी अपने लिए नहीं खाते हैं, अपने लिए कभी जीते नहीं है, जीभ के लिए। लंबाई कितनी है शरीर की? लंबाई कितनी है? यदि टेस्ट ही होता तो पूरा इंटेस्टाइन के अंदर टेस्ट बर्ड रख देता भगवान कि जाओ भाई मजा करो, टेस्ट ही लेते रहो। लेकिन जैसे भी यहां से नीचे जाएगा, नो कड़वा, नो मीठा, नथिंग। तो कुछ समय का संयम, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है बीमारी होने का, प्रज्ञापराध। प्रज्ञा जानते हैं क्या होता है? प्रज्ञा, व्हाट इज मीन बाय प्रज्ञा? साइकोलॉजी लेक्चर में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, पिछली बार मैडम ने दिया था। प्रज्ञा, इंटेलेक्चुअल, सद सद विवेक बुद्धि, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये हमको एक बुद्धि दी गई है कि हम जानते हैं। कंकड़ है चावल में, उसके साथ खाते हैं क्या हम? चावल को बाजू में, कंकड़ को बाजू में कर देते हैं। तो वो जो है वो आपने रखना है। दैट मीन्स ओपन योर आईज, सी इनवर्ड इन योर। हम बाहर की दुनिया में ही पूरी जिंदगी खपा देते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर भी जाइए, उसके लिए बेस्ट है मेडिटेशन। ठीक है, अब ये सब करते हुए पूरी लाइफ की जो प्रोसेस है उसके लिए तीन पिलर्स बताए गए हैं। कोई जानता है क्या क्या पिलर्स है? उपस्तंभ बोलते हैं, जैसे बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, वैसे लाइफ के बिल्डिंग के पिलर्स क्या है? त्रयो उपस्तंभ इति। फर्स्ट वन आहार, प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया आहार को। सेकेंड वन निद्रा, वहां स्वप्न बुलाए। त्रयो उपस्तंभ इति आहार स्वप्नो ब्रह्मचर्यम इति। आहार मेन है, उसके बाद में जितना इंपॉर्टेंस आपको आहार को देना चाहिए उतना ही इंपॉर्टेंस निद्रा को भी देना चाहिए। अब हमारी निद्रा तो गोली के बगैर आती नहीं, हमारी निद्रा तो बहुत सारा मेडिटेशन करने के बाद भी आती नहीं, क्यों? इसका वजह है आहार। वहां कहीं तामस गुण आप अंदर डाल रहे हो, तामस इज एनिमी ऑफ निद्रा। ओके, और व्हाट इज मीन बाय ब्रह्मचर्या? चर्य और चर्या, ब्रह्मचर्या का कुछ चुनिंदा स्वार्थी लोगों ने बहुत गलत अर्थ बताया। ब्रह्मचर्यम इति, ब्रह्मा जैसा चर्या करना मीन्स ब्रह्मचर्या। अब ब्रह्म कैसे रहते थे आप सब जानते हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम चर्या। मीन्स डेली रूटीन, कितने बजे उठना, कितने बजे स्नान करना, कितने बजे खाना, कैसे, बट एटिकेट्स, ऑल एटिकेट्स, डेली रूटीन लाइफ में कितने बजे सोना, कैसे सोना, ये भी मायने रखता है। कैसे भी नहीं सोना, आजकल बच्चे देखे बहुत वेरी हार्ड पोजिशन रहती है स्लीप की, फिर जाके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्या मीन्स इन शॉर्ट मैकेनिज्म ऑफ लाइफ, इसको जानो। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, एक थोड़ी सी कथा सुना देता हूं, आप सुन ही रहे ना, कथा नहीं है वो। उस जमाने भी कॉन्फ्रेंसेस होते रहते थे, जैसे नालंदा है, ये जो सब विश्वविद्यालय होते हैं ना, तब हजारों साल पहले, आयुर्वेद के भी पहले, आचार्य अत्रेय जी उनके विद्यार्थियों को लेके
काशी के राजा के दरबार में एक कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन था। स्टूडेंट पूछना, आचार्य ने उत्तर देना और उस उत्तर को और एक्सप्लेन करने के लिए और सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते थे। टॉपिक क्या था पता है? उस जमाने में रोग क्यों होते थे। अब उस जमाने में देखें रोग कितने होते थे, फिर भी उन्होंने एक बड़ी इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस ली। रोग क्यों होते थे, रोग का कारण क्या है, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा। बहुत इतनी अच्छी वो तैतरीय उपनिषद में पूरा का पूरा अध्याय है उसके ऊपर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर है। मैं उसका टेक होम मैसेज बता देता हूँ, कंक्लूजन। आफ्टर ऑल हितहारोपयोगाव पुरुष वृद्धि कर भवती। हित आहार, हितहारोपयोग, हित आहार अभी आ गया शुद्ध आहार, सात्विक आहार। आहार के तीन प्रकार होते हैं, सात्विक, तामस और राजस। तीनों भी चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफेशन आल्सो। कोई विद्यार्जन कर रहा है वो तामस आहार करेगा तो इंटेलेक्चुअल बढ़ने वाला है क्या? नहीं, उनके जो राग द्वेष ये रिपु बनाएंगे, ये शत्रु बनाएंगे। तो तीनों आहार कैसे बोलना है उसका भी डिग्री हम बाद में करेंगे। अब आते हैं दूसरा एक मैसेज, अहित हारोप योगाहा, नेक्स्ट सेंटेंस, निमित्तम रोगो भवति। अहित कर आहार ही रोगों का जननी है, या क्या बोलते हैं मेकिंग डिसीज मेकिंग प्रोसेस में प्राइम इंपॉर्टेंस वाला है। तो अहित कर आहार और हित कर आहार। उसके बाद में अब खाना कब खाना चाहिए। सी मैं बहुत सिंपल रूल्स बना रहा हूँ या शास्त्र ने बना के दिया है, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बोल रहा हूँ, वेरी सिंपल, कोई हार्ड नहीं है, ऐसा नहीं पसीना नहीं बहाना है आपको, सिर्फ इसको फॉलो करना है। क्यों फॉलो करना है? इफ यू विल मेक द रूल्स, दैट रूल्स विल मेक यू। हमारा लाइफ बिना रूल के है, नो डिसिप्लिन एट ऑल। कभी भी उठो, कुछ भी खाओ, कहीं भी बैठो, ठीक है ना। तो वो रूल्स क्या है शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। और मैं दीदी से विनती करता हूँ कि ये सेशन जो रहेगा आहार का उस और तीन से चार लेक्चर में रहेगा, ताकि मैंने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। आज तो बेसिक है एटिकेट्स वाला, बाद में रहेगा दिनचर्या ऋतुचर्या। हम दिन के हिसाब से कैसे खाएं, क्या खाएं, क्यों खाएं, कितना खाएं, ऋतु के हिसाब से कैसे खाएं, उसके बाद में प्रकृति के हिसाब से। आप खुद प्रकृति जान सकते हैं खुद की, देर इज नो नीड ऑफ एनी वैद्यज एंड ऑल दैट, वेरी सिंपल। आप खुद को थोड़ा सा रोज, जैसे हम फेस देखने के लिए आईना देखते हैं ना, तो तन मन और आत्मा को देखने के लिए थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाओ, अंदर की तरफ छाप, तो आपको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और कितना सुधारने की जरूरत है, चाहे कोई भी एज हो, ठीक है। तो ये रूल पहले आएगा, खाने के रूल्स बता रहा हूँ, पहले हम डिसाइड करेंगे कितनी बार खाएं। बहुत सारी थ्योरीज आती हैं, हजारों साल आयुर्वेद जो वैज्ञानिक सिद्धांतों के ऊपर टाइम टेस्टेड साइंस है, आप जानते हैं लंघन, जानते हैं आप, जिसे हम अपनी भाषा में उपवास बोलेंगे, ठीक है। अब उपवास करने से क्या फायदे होते हैं उसके ऊपर जापान के साइंटिस्ट ने नोबेल प्राइज लिया, और हम हजारों साल से रटते जा रहे हैं। उपवास के नाम से सब मार्केटिंग चल रही है, क्या क्या खा रहे हैं आपको सब पता है। उपवास, हम रोज की भागदौड़ जिंदगी में थोड़ा सा समय निकाल कर भगवान के पास बैठे, भगवान की आराधना करें, भगवान को स्मरण करें, इसलिए उपवास। अब इसीलिए सब एक्टिविटीज स्टॉप होनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज ओके, वी आर मुंबई पीपल उतना नहीं कर सकते, उसमें डाइट पे ध्यान दीजिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को जो 24/7 आप नहीं चाहते हुए भी वो काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो इतना तो दायित्व बनता है आपका कि हम भी उसको थोड़ा सा रेस्ट दें। आप जानते हैं हार्ट
जैसे जन्म से लेके मरने तक हार्ट बीट चालू रहता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्टॉप हो जाए, कितनी बड़ी गिफ्ट है भगवान ने दी हुई है। फिर भी हार्ट को रेस्ट करने के लिए एक रेस्टिंग टाइम होता है 0.8 सेकंड। हार्ट कितना रेस्ट करता है, पॉइंट एक साइकिल में, हार्ट जो साइकिल होती है उसमें 0.8 सेकंड। हमने क्या करना है, ठीक है, वो तो उसका खुद का रेस्टिंग टाइम है, हमने उसको कैसे देना है फिर रेस्टिंग टाइम और ज्यादा कैसे, उसका लोड कम करना है। किसके बहाने, आहार के बहाने, थॉट्स के बहाने, बहुत सारा थॉट्स नहीं रखना है यहाँ पे, जैसे भी आएंगे जस्ट लुक आफ्टर लीव इट। जैसे हम कोई पिक्चर देखते हैं स्क्रीन पर, सब बहुत सारे ये आते जाते रहते हैं, सीन्स आते जाते रहते हैं, वैसे भी ये, और वही हम लेके बैठेंगे तो थप्पा मार दिया, यू आर बीपी पेशेंट, ये गोली खाओ वो गोली खाओ, क्यों बढ़ रहा है बीपी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। अभी कोलेस्ट्रॉल अच्छा है कि बुरा है, कोई बताएगा क्या, बैलेंस, बैड इज ऑलवेज बैड, बट कोलेस्ट्रॉल व्हाट दे पीपल से इज बैड, इट इज नॉट बैड, इट इज वेरी गुड फॉर अस। स्नेहो मयो अयम पुरुषः, क्या बोला गया है, स्नेहो मयो अयम पुरुषः, हम कैसे हैं, स्नेहमय है, स्नेह मीन्स फैट। आप यदि माइक्रोबायोलॉजी में जाएंगे तो ईच एंड एवरी सेल इज अ सैंडविच ऑफ फैट्स, नथिंग बट फैट। अभी वो फैट कौन सा है इसके ऊपर हमको ध्यान देना है, ठीक है, सिंपल सी थिंग है। अभी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड इसमें ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, अनरिफाइंड दैट्स ऑल, वॉट एवर द रिफाइंड, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी ब्रांड लाइक सफोला, मैं वो डेरिंग से बोल रहा हूँ, लाइक सफोला इज बैड फॉर हेल्थ। आप कभी भी उसके पीछे की साइड में जरा देख लो क्या क्या गुड हेयर क्या क्या ब्रांड, दे आर फोर्सफुली इम्प्लांटिंग देयर प्रोडक्ट्स टू मेक द मनी, वी आर नॉट फूल, इसलिए बोला ना सदसद विवेक भक्ति। तो पहले के जमाने में जो ऑयल्स होते थे कच्ची घानी के ऑयल होते थे, महात्मा गांधी जी बोला था ना खेड़ा कड़े चला कम टुवर्ड्स विलेज, वही नौबत आई है अभी भी, क्योंकि हम अपनी रिहा अपना ट्रेडिशन, आप जानते हैं ना दादी के नुस्खे, पहले के जमाने में पैरासिटामोल थोड़ी था, कौन सा काढ़ा देते थे, सबसे कड़वी दवा चिराई था, किराते कितना भी बुखार हो मां सुदर्शन टैबलेट, कितना भी बुखार हो, आज की तारीख में भी डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन किसी को बच्चे को फ्रॉम द फर्स्ट डे पैरासिटामोल नहीं देता है, और करोड़ में पैरासिटामोल का टर्म ओवर है, कोरोना के बाद में डोलो ने तो बस बहुत कमा लिया। जानते हैं पैरासिटामोल का क्या पॉइजनस इफेक्ट है, अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने उसके ऊपर सिर्फ पैरासिटामोल के ऊपर 300 पेज की बुक लिखी हुई है। एलोपैथी इज गुड बेस्ट इन एमरजेंसी कंडीशंस, ठीक है, थोड़ा सा सब्जेक्ट जा रहा है बाहर, हम आहार के ऊपर फिर जाएंगे, आइस के ऊपर थे, कच्ची घानी का तेल, ठीक है। दूसरी बात, वड़ा पाव अच्छा है कि बुरा है, बुरा है, मैं बोलता हूँ अच्छा है, अचार अच्छा है कि बुरा है, होम मेड अचार इज बेस्ट फॉर वाता डिसीजेस एंड इट इज, दिस इज द गुड टाइम टू कंज्यूम अचार रेनी सीजन बिकॉज इट इज फर्मेंटेड वन, होम मेड चाहिए फ्रेश, जैसे 2 साल पहले 3 साल पहले आपकी नानी दादी बनाती होगी, कौन से बर्तन में रखते थे, चीनी माटी के बर्तन, वाई नॉट प्लास्टिक, अब कौन सी कंपनी है कि कांच के बर्तन में अचार दे रही है, वेरी सिंपल, ओके, क्या बोला गया था, इष्ट सर्वो उपकरणानाम, उपकरण यूटेंसाइल्स, हमारा किचन का यूटेंसाइल कैसा हो, इंटीरियर डेकोरेटर तब भी थे जो पहले के जमाने, और बिफोर जाएंगे तो सभी बर्तन सोने के, रजत यानी सिल्वर के, पीतल के,
तांबे के, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि राजा ने ही चांदी के बर्तन में सोने के बर्तन में खाना चाहिए, ठीक है। आज हमारी उतनी ये नहीं है कि सोने के बर्तन खाना खाए, लेकिन एक ग्राम सोना इफ यू आर पुटिंग थ्रू आउट द नाइट इन अ वॉटर एंड जस्ट बॉइल फॉर 5 मिनट्स, इट गिव्स टू मच बूस्टर ऑफ यूर इम्यूनिटी। सोने का पानी पिलाते हैं पहले 10 दिन में बच्चों को, कोई वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। जानते हैं वैक्सीन के कितने साइड इफेक्ट होते हैं। एक मेडिकल फील्ड का एक तबका ऐसा है, दे आर स्ट्रॉन्गली अपोजिंग वैक्सीन्स, कि भाई वैक्सीन लगा के न्यूबॉर्न बेबी को सोने का पानी, सुवर्ण प्राशन, दैट इज कॉल्ड सुवर्ण प्राशन। वो एक जो अपने अष्टादश संस्कार है ना बच्चों के ऊपर, वो विधि होता है और पीरियड भी होता है, अन्न संस्कार गुंज वगैरह वो जो होते हैं ना पैसे, ठीक है। अभी उपकरण के बारे में हुआ, ईष्ट देशे मीन्स हम कहाँ बैठ रहे हैं। उस टाइम में बफे खाना था, टेबल चेयर था, कैसे था, जमीन पर बैठकर, है ना, वो भी साफ सुथरी हुई अच्छी, ठीक है, वैसा देश होना चाहिए। अभी यहाँ देश का अर्थ है जहाँ आप पैदा हो गए। अभी राई का तेल कहाँ जाता है, नॉर्थ, नॉर्थ साइड में, हमको वो उतना साथ में नहीं है, लेकिन वही चीज़ हम ठंडी में खा सकते हैं क्योंकि उसकी तासीर गर्म है ना। देखो उधर तो गर्मी भी ज़्यादा है, लेकिन 2400 घंटा 365 दिन वो राई का तेल चलता है, ठीक है। दूसरी बात, कोस्टल रीजन में सभी तरफ मच्छी और पहले जोर बोला था चावल, वो कफ वृद्धि करता है, उनको तो कोई कफ के आजार बीमारी होती नहीं है। हमको एक बार थोड़ा सा खा लिया तो छींक आनी चालू हो जाती है। ईष्ट देशे हम कब खा सकते हैं, अपोजिट काल में खा सकते हैं। जैसे मेरी प्रकृति वात प्रकृति है, तो उसके गुण भी जान लो। वात की मेन प्रकृति होती है रुक्ष, ड्राइनेस, और सबसे बढ़िया काम होता है चलन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंट्रोल बाय वात, ठीक है। अभी रुक्ष गुण बढ़ गया, कब बढ़ता है, ठंडी जानते हैं, ठंडी कब सूखी होती है ना त्वचा, वात बढ़ा हुआ है, तब क्या करने बोला है दादी ने, तेल मालिश, अभ्यंग स्नान, अभ्यंग नित्यम आचरित, जिनको भी जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गठिया वात, उन्होंने 12 महीना अभ्यंग करने के लिए आयुर्वेद, वो आयुर्वेद ने बोला। आजकल बच्चे तो सर को भी तेल नहीं लगाते, ये अपनी ट्रेजेडी है, अपनों को भूले हैं। हम हिंदुस्तानी हैं लेकिन इंडियन बनने के पीछे हिंदुस्तान को भूल गए, तो हिंदुस्तानी बनो, ओके। अब दूसरा आता है मात्रा कितनी खाए, कितना खाना चाहिए, ठीक है, कितना खाना चाहिए, अपनी मात्रा जानते हैं, सबने अपने हाथ ऐसे करना है, घर में जाके उसमें जितना भी अनाज बैठेगा दैट इज योर कोर मात्रा, ट्वाइस, एक बार नहीं, कितना परमिशन दिया है, ट्वाइस। आजकल बहुत थ्योरी है, बार बार खाओ, ये करो वो करो, और कभी खाएं सुबह और शाम, नॉट रात, हाँ, ये बहुत आप मन में फिक्स कर दो, और नो एक्सक्यूज, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमारे पास मोबाइल के लिए टाइम है, बाकी कुछ फालतू की चीज़ें करने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन जो मेन है, जो हमारे जिंदगी का बेस है, उसको हम भूल गए, ट्वाइस, ठीक है। कब खाएं फिर, कब खाएं, टाइम कुछ, आपने घड़ी देखी होगी आपके हाथ के ऊपर, स्मार्ट वॉच, ये वॉच, वो वॉच, अपनी वॉच देखिए, कभी अपनी वॉच देखिए, शरीर की एक वॉच होती है जिसको क्या बोलते हैं, सर्कैडियन साइकिल, ठीक है। हर एक ऑर्गन का अपना खुद का टाइम होता है, यदि वो उसको दिया जाए तो वो खुश रहता है, वो टाइम नहीं मिलेगा तो उसका क्राइम चालू हो जाता है, रोना धोना चालू हो जाता है, मुझे मेरा टाइम नहीं मिला। समझे किसी को, कोई बच्चा 5 से 6 खेलने जा रहा है और हमने रोक लिया, उसका रोना धोना चालू, लीवर का टाइम होता है। मैं लीवर इसलिए एग्जांपल, क्योंकि लीवर इज द ग्रेटेस्ट लेबोरेटरी इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। और एक ड्यूटी, लीवर का यदि 90% हिस्सा खराब भी हो जाए तो दैट 10% हिस्सा विल वर्क एज अ 100%,
और वो रीजनरेट हो सकता है, इतना ब्यूटीफुल है। तो लीवर का टाइम क्या है पता है? लीवर और गॉल ब्लैडर हम दोनों से देखते हैं, एक ही है वो, उनका एक टाइम है 11 से 1 और 1 से 2। अब बताओ 11 बजे कौन कौन खाना खा रहे हैं? आग से बंद करो। 11 से पहले 2 घंटा आप खाना खाके खत्म करना है, माने 9 बजे तक। पहले तो शाम ही था, जैसे जर्न पीपल फॉलो द रूल्स, जैसे भी सूरज ढल गया वो खाना बंद कर देते हैं। Why? दे नो वेरी वेल कि हमारी डाइजेस्टिव फायर अपने सूरज उगने से लेके सूरज ढलने तक उसके हिसाब से चलती है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है, समझ रहे हो ना? ठीक है, इसीलिए शाम तक फिर भी, और आयुर्वेदिक छूट दे दिए थोड़ी आप कि भाई 1.5 घंटा एक मूड है ना आप चलेगा, मैंने समझो 7 बजे कहीं सूरज डूब रहा है तो 7 से 2 घंटा ऐड करो 9 बजे। 9 के आगे किसी ने कुछ नहीं खाना है एक्सेप्ट ड्रिंकिंग वाटर। उसमें भी जो किडनी के पेशेंट हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जो गठिया के पेशेंट हैं, उन्होंने रात का पानी बंद करना है। बहुत प्यास लगेगी तो पानी गर्म करो, 2 घूंट, ये सूखा है इसीलिए उतना ही पीना है, क्योंकि रात का पानी जैसे हमारा अन्न हजम हो जाता है, रात का पानी भी डाइजेस्ट होना चाहिए। वो बिना डाइजेस्ट के आपके अलग अलग अंगों में जाके सूजन पैदा करेगा, वात बढ़ाएगा, कफ तो जमा करेगा और पेन चालू हो जाएगा। मॉर्निंग स्टिफनेस किसको है? सवेरे उठ के बहुत भारी लगता है, सवेरे उठ के हम चल नहीं पाते, थोड़ा चलेंगे उसके बाद ठीक होता है, ये चीज़ें संभालो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आता है, दूसरा नियम, खाना खाते समय, ठीक है, खाना खाते समय स्पीड कैसी होनी चाहिए? कितना डिटेल में बोला है शास्त्र ने, कोई बताए सर, बता दे आपको, नाति द्रुतम, बहुत फास्ट, ठीक है, नाति विलंबितम, बहुत स्लो, उसने शॉर्टकट निकाल लिया। दीदी बोल रहे 32 बार चबा के खा जाओ, दैट इज गुड। व्हाई गुड? ये जानते हैं आप भगवान ने मुंह में क्या क्या दिया है? दांत दिए हैं, टंग दी है और लार दी है। लार इज द बेस्ट एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लेमेटरी, डाइजेस्टिव, क्या क्या बताएंगे, 32 टाइप्स ऑफ फाइटोकेमिकल्स, नॉट फाइटोकेमिकल्स, केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, दैट इज बायोकेमिकल्स। और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन तो हमारे मुंह में हो रहा है, और ये काम हम किसको दे रहे हैं? आगे वाले को धकेल रहे हैं ना सीधा, क्योंकि ट्रेन पकड़नी है 8:03 की 8:04 की व्हाटएवर, ऐसा नहीं है। ठीक है, नाति द्रुतम, बहुत धाई से नहीं खाना है, बहुत स्लो भी नहीं खाना है, ऐसे चबा के खाओ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नेचुरोपैथी का, भाकरी खावी प्यून, भाकरी यानी रोटी, इतना चबाओ कि वो लिक्विड होना चाहिए, हो गया डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का, कैसे शुगर बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। और पानी प्यावे खाऊन, पानी कैसे पियेंगे? सिप बाय सिप, मुंह में ले लो, खुला रखो, पी जाओ, समझ रहे हो ना। वो आदमी को कभी भी फ्लैचुलेंस, बर्पिंग, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी, क्योंकि 50% ऑफ डाइजेशन हैपेंस इन योर माउथ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, टीचर ने एक बार बोला कि टिफिन में रोटी लेके आओ, लेके गए सब, अब रोटी का टुकड़ा निकालो, और मैं जब तक बोलू ना तब तक चबा लो, सब चबा, सब चबा, अब निगलो, कैसा लगा, कैसा लगा, मीठा, कड़वा, खट्टा, मीठा, बिकॉज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड एंड मिक्स ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसा होता है? मीठा होता है। ठीक है, अब फैट और प्रोटीन्स का डाइजेशन हमारा जठर यानी स्टमक और उसके आगे मिलेगा। अब आप बताओ, अब खुद को परीक्षा करो थोड़ा सा कि आप कैसे खा रहे हो। ठीक है, अब हमारा मन कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए खाने के समय? पूरा ध्यान, तन मना भुंजित, तन मना भुंजित, तन और मन पूरा का पूरा अपने खाने में होना चाहिए,
ये टेस्ट कैसा है, वो टेस्ट कैसा है, इट इज गुड फॉर मी, इट इज बैड फॉर मी, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, है ना। मैं तन मना बुद्धि, हमारा तन एक तरफ रहता है, खास करके बच्चों फीमेल पार्ट ज्यादा है, बच्चों को क्या कर देते हैं, मोबाइल थमा देते हैं और यहाँ चालू कर रहा, चलो अभी वो होने ही वाली, कफ की बीमारी होने वाली, इनडाइजेशन की बीमारी होने वाली, इम्यूनिटी खराब होने ही वाली है। नो मोबाइल खाने के समय, नो मोबाइल, नो टीवी, ठीक है। अजलपन, बातें करते करते नहीं बोलना, तहसनम, हंसते हुए नहीं खाना खाना चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल रूल्स है, जो जरूरी है उतने ही बता रहा हूँ, उन्होंने तो बहुत सारी लिस्ट दी है, इतना डिटेल में दिया है, कैसे बैठना है, आसन लेके वो आसन मुंह किस तरफ होना चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे कि अरे क्या बाबा बोल रहे हैं, नो इट हैज सम साइंस, हमने कहाँ सिर करके सोना है, क्यों भाई, मैग्नेट जानते हैं ना, मैग्नेट, ठीक है। अब ये बताइए चंद्रमा कितना ऊपर है, ज्वार भाटा यहाँ होता है, यूनिवर्स में या अपने पृथ्वी पर पानी कितना परसेंट है, 72 अप्रोक्सीमेट, ओके। बॉडी में कितना पानी है, 72%। अभी वो चंद्रमा के पावर से, गुरुत्वाकर्षण पावर से, यदि वहां ज्वार भाटा आ रहा है तो हमारे शरीर में भी ज्वार भाटा होना चाहिए, होता है कि नहीं, लेकिन वो उतना डिजास्ट्रस नहीं होता है, बॉडी कैन मैनेज। आप यदि बुजुर्ग लोग हैं, वो जो भूत खेत वाली बीमारियां होती है, पूनम के पूर्णिमा के दिन क्यों आते हैं, क्यों आते, चांद चंद्रमा मानस का अधिकारी है, ठीक है। और यदि वहां पे भर्ती आ गई, ऊपर खींच रहा है ना पानी, कौन अफेक्ट करेगा, वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड ब्रेन, उस टाइम कुछ चीजें ना करने के लिए बोला गया। लेकिन हम जो कोजागिरी पूर्णिमा करते हैं, लेकिन उस दिन रात भर दूध को पकाने के लिए बोला गया, क्यों, इसका भी डिटेलिंग हम और जो खाने के एक एक पदार्थ जानेंगे ना उस वहां बताएंगे, अब हम रूल्स बता रहे हैं, टाइम ज्यादा बनेगा। अब ये बताइए मात्रा हो गई, कब खाना हो गया, कितना खाना हो गया, क्यों खाना, ये आपके लिए होमवर्क है, जब मेरा अगला लेक्चर लगेगा तब तक होमवर्क करके, या मेरा मोबाइल नंबर दिया है व्हाट्सएप कर देना, और कोई क्वेश्चन भी होगा आपके मन में आहार से लेके, अपने खुद की प्रॉब्लम से लेके, तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना, हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी दूसरे रूल की तरफ जाएंगे, अन्न तो हमने लिया, प्रकृति व लिंग वगैरह वगैरह बाद में, अब लास्ट में बोला है, ठीक है, उन्होंने बोला है कि आप फैमिली के साथ में, फ्रेंड लोगों के साथ में प्रसन्न मन से, जैसे आप आजकल यूनिक फैमिली होगी तो उतना तो नहीं हो पाएगा, जितना आपसे बनता है, कम से कम संडे तो एंजॉय करो ना, ठीक है, संडे तो एंजॉय करो सब फैमिली के साथ, क्यों, ये आपसी जो बॉन्डिंग आजकल बहुत लूज हो गई है फैमिली वाली, चाहे वो सोशल बॉन्डिंग हो, वो चाहे फैमिलियर बॉन्डिंग हो, कारण यहां तक आता है आहार तक, इसलिए वो भी ध्यान रखना है, ओके। आपके कोई क्वेश्चन है क्या, एक 5 मिनट में क्वेश्चन भी ले लेता हूँ, उसके पहले मात्रा हो गया, कब खाना हो गया, हाँ बर्तन भी हो गए, बर्तन में एक आपको एक स्ट्रिक्टली बताऊँ, आज से उसको निकाल दो किचन से, जर्मन से बनी हुई सभी बर्तने आज से निकाल दो, बहुत ही जहरीले हैं, आप गूगल सर्च करिए, ज़्यादातर कॉमन मैन के घर में वही होता है, मेरे घर में भी था, ओके। आयुर्वेद इंटीरियर डेकोरेटर भी आ गए हैं किचन बनाने के लिए, वो देखो, ओके, जर्मन के स्टील आपको थोड़ा ऑप्शन है, हाँ एल्यूमिनियम के बर्तन, जर्मन यानी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बर्तन बिल्कुल नहीं, हाँ। अब पहले के जमाने में जो पंगत बोलते थे ना वैसे टाइम का, और क्या था, थाली, थाली किससे बनता था, पत्तल से बनता था, केले का बनता था, क्यों आप जानते हैं, जब हम खाना उसके ऊपर परोसते हैं, व्हाट एवर यू आर ईटिंग टाइम इन बिटवीन दैट गरम गरम खाना,
वो और वो केले का पत्ता या पलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसका हाँ पलस, वो पत्ता उसमें जो भी फाइटोकेमिकल्स है वो अनाज में आ जाते हैं। कितने बारकाई से विचार है। और दूसरी चीज, पर्यावरण का भी ध्यान रखा गया है। केले का पत्ता गाय भैंस जो भी घर में जानवर है, माने आपका भी काम हल्का हो गया, बर्तन मारने की जरूरत नहीं है, ले लिया डाल दिया, उन्होंने खा लिया, उनके लिए भी आ गया रिसाइकलिंग, है ना, ये ध्यान। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट लेक्चर अपना दिनचर्या ऋतुचर्या, कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, ऋतुचर्या कैसी हो, उसमें क्या क्या खाना है, थोड़ा सा नोटबुक और पेन भी लेके आइए, क्या क्या खाना है, कौन से अनाज खाना है, वो हिसाब से आप खुद आपकी थाली सजाएंगे, ठीक है। उसके बाद में डिसीज वाइज थोड़ा सा आयुर्वेद के हिसाब से कैलोरीज और वॉट एवर कौन अच्छा है। अभी बहुत सारे लोग, मैं सुना जैसे परभनी जा रहा हूँ ना, सीधा बोल रहे गेहूं की रोटी खा लो डायबिटीज वालों को। अभी गेहूं की रोटी और ज्वार की रोटी, व्हाट इज मीन बाय डायबिटीज, डायबिटीज इज नथिंग बट फ्लड ऑफ ग्लूकोज। सिंपल भाषा में ग्लूकोज चाहिए ना हम सबके लिए, वो तो हमारा पेट्रोल है, फिर भी वो बैड क्यों है। फिर एक एग्जाम्पल देखिए, खत्म कर देता हूँ। नदी होती है, गांव के बाहर से नदी बहती है, वो कब नुकसान करेगी, बाढ़ आएगी तो 12 महीना करेगी क्या। वैसे ही ग्लूकोज की नदी है अपने शरीर में, कब नुकसान कर रही है, बाढ़ क्यों आती है, ओवरफ्लो होगा विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन, उसको आउटलेट दे दो। एक दूसरा नदी जोड़ प्रकल्प आ रहा है ना, ऐसा करो, या फिर वो लोड आने मत दो, जो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ, जैसे खाया फ्लड चेक करते हैं ना, खाने के पहले शुगर, डेढ़ घंटे बाद शुगर चेक करते हैं, फ्लड है कि नहीं चेक करने के लिए। और आजकल तो उन्होंने इतनी वैल्यू डाउन कर ली है, आज की तारीख में 5.6, उसके ऊपर 7 गया, ठप्पा लग गया, यू आर डायबिटिक, मेरा बाप चोर है, तेरा बाप चोर है, यू आर डायबिटिक, यू आर ओबेस, यू आर हाइपोथायराइड, यू हैविंग पीसीओडी, इतनी सारी, ऑल आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। क्या बोला गया है, बहुत अच्छा नाम है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कम्स फ्रॉम ओनली डाइट, डाइट एंड ओनली डाइट। रिजल्ट ट्रीटमेंट मेडिसिन है कि डाइट है, इसीलिए मैं बोलता हूँ सबको, मेक योर फूड एज अ मेडिसिन, एंड नेचर इज सो स्मार्ट बिकॉज इट हैज पुट सो मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इन योर फूड। इसलिए आपके आहार को ही दवा बनाइए, उसके साथ में दो चीजें अभी शास्त्र में बताया गया है, देखो, पथ्ये सति गदा तस्यम किम औषध निषेवने, अर्थात आप यदि पथ्य का ध्यान रखेंगे, पथ्य मतलब सब बंद करना नहीं है, आपके लिए जो बुरी चीजें उसको छोड़ के सब खा लो, ठीक है, तो आपको औषध का कोई काम नहीं है। उसके उल्टा पथ्य असति गदार तस्यम किम औषध निषेवने, यदि आप पथ्य का पालन नहीं करेंगे, आपकी थाली आपके हिसाब से परोसेंगे नहीं, तो आपको कितनी भी दवाई दी जाए सब व्यर्थ है, देर इज नो हेल्थ। इतना आपको फॉलो करना है। लास्ट में हम जब बचपन में खाना खाते थे पंगत में वगैरह, तो एक मंत्र बोलते थे, अच्छा ठीक है, इसके बारे में समर्थ रामदास स्वामी ने बहुत अच्छा ही श्लोक दिया है। क्या दिया जानते हैं, हम वदनी कवल गेता नाम गया श्री हरिचे, सहज हवन घे होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरन नोहे जानीजे यत्ने कर्म, जय जय रघुवीर समर्थ। अब एक लाइन से जाएंगे, क्या बोला गया है, वदनी कवल घेता, वदन मीन्स मुख, मुंह, कवल मैंने जो निवाला होता है, कवल घेता नाम घ्या श्री हरिचे, वॉट एवर यू फॉलो उसको याद करो, उसी की कृपा से, अहम कृपा से ये सब खाने को आपको मिल रहा है, उसका नाम है। सहज हवन होते, सहज मीन्स वेरी इजीली, हवन डाइजेस्ट, वेरी इजीली डाइजेस्ट होता है, नाम घेता फुकाचे, पैसा देना पड़ रहा है क्या, इट इज फ्री,
एनी टाइम 24/7 365 डेज। नाम घ्या श्री हरिचे। आगे क्या बोला है, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म। पूर्ण ब्रह्म बोला है, आधा ब्रह्म बोला है क्या, पाव ब्रह्म बोला है क्या, अन्न वॉट एवर यू नाउ दैट इज पूर्ण ब्रह्म। उदर भरन नो हे, उदर मीन्स स्टमक, भरन मीन्स डालते रहना। आवर स्टमक इज नॉट अ डस्टबीन एंड ऑल वी आर नाउडे सो कॉल्ड मॉडर्न पीपल, सो कॉल्ड साइंटिफिक पीपल जस्ट थ्रोइंग टू मच लाइक अ डस्टबीन। उदर भरन नो हे जाणीजे यज्ञ कर्म, यज्ञ कर्म, यज्ञ जानते हैं ना, भगवान श्री राम श्री कृष्ण करते थे, व्हाट इज मीन बाय यज्ञ। तो खाने को यज्ञ की उपमा दी गई है। यज्ञ में क्या क्या रहता है, मेन तो अग्नि रहता है। किसी ने यज्ञ अटेंड किया है क्या, ठीक है वो देखो, हाँ घी और चाव, हाँ समीधा, दैट इज कॉल्ड समीधा, समीधा होती है लकड़ियां होती है ना। अब बताओ ये हम कैसे डालते हैं, प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, तभी डालते हैं, एक साथ सब नहीं डालेंगे क्योंकि अग्नि बुझ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, टेक होम मैसेज, टेक होम मैसेज, ऐसे हम डालते रहोगे तो अग्नि बुझ जाएगा। और अग्नि साक्षात श्री कृष्ण भगवान है और वो बुझ गया, शरीर ठंडा हो गया। आयुर्वेद बोला गया शांत अग्नौ म्रियते, अग्नि शांत इक्वल टू डेथ, अग्नि शांत इक्वल टू डेथ। गार पड़ल शरीर, नुसतं गार नहीं थंडगार पड़ल, ओके। यज्ञ कर्म और ये मंत्र बोलते हुए क्यों बोलते हैं, वहां एक औरा तैयार हो रहा है, यूनिवर्स पिंडी थे ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी थे पिंडी, वो जो एनर्जी है वो यूनिवर्स से होके अपने में आ जाती है, वो चाहे डाइजेस्टिव फोर्स हो, सो कॉल्ड इम्यूनिटी हो, व्हाटएवर, सहज हवन होते इसलिए डाइजेस्ट हो जाता, यज्ञ कर्म है, इसलिए इसको जानो, ठीक है, करेंगे आज से फॉलो। यू मेक यूर रूल्स, ऐसा नहीं कि डॉक्टर जाधव बोल रहा है वही रूल करना है। कभी उठना है सवेरे उठना है आपके जॉब के हिसाब से, नो एक्सक्यूजेस, जो एक्स्ट्रा है उसको कट ऑफ करो, मोबाइल इज नॉट फॉर यू, अपनी लाइफ अपने खुद ने मॉनिटर भी करना है, जहां जरूरत है वहां कट करना है। किसी मूर्ति को बनाना है, पत्थर से समझो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनानी है, मैं हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ, अभी वो जो मूर्तिकार है उन्होंने उसमें क्या देखा, श्री कृष्ण देखा, वो क्या करेगा, श्री कृष्ण के आकार का जो भी है उससे हटा के जो उसके लिए जरूरी नहीं है उसको कट करेगा, थ्रो इट, वैसे ही आपने करना है ना। सूरज ना बन पाए तो दिया बन के जलता चले, ठीक है, हम सूरज तो नहीं बन पाए, परमात्मा परमात्मा है लेकिन आत्मा है ना, उसका अंश है ना, तो ये जो भी एक्स्ट्रा है आपको विद इन वीक, विद इन मंथ, विद इन ईयर्स आपको अपने में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत सारे हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है और तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई कपड़े चेंज करने की जरूरत, व्हाट एवर यू हैव, वेयर एवर यू हैव, यू आर पका रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे भोग के लिए बनाते हैं ना, कितना अच्छा माहौल होता है देखा है कई लोगों ने, है ना, क्यों, पंगत में ही मीठा सब रहता है, वहाँ कोई नमकीन नहीं रहता है, कोई कुछ नहीं लगता है, बहुत अच्छा लगता है। सत्संग में जाइए वहाँ कोई शीरा जो बनाते हैं डेली बनाते हैं उसका टेस्ट अलग होता है, और सत्यनारायण का जो प्रसाद बनता है वो अलग ही होता है, क्योंकि उसमें सात्विक भाव आए हैं, इसलिए जो बनाता है इसलिए अन्नपूर्णा बोला गया है, इसलिए अन्नपूर्णा का आह्वान करना है, किचन में अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति रख सकते हैं या नहीं रखेंगे तो आप इमेजिन करके उनका आह्वान करना है कि देवी यहाँ विराजमान होइए, क्योंकि इसी के ऊपर मेरे फैमिली मेरी खुद की नैया पार होने वाली है। तो आज से आप वॉट एवर द वेस्ट वो फेंकना है, जीभ के टेस्ट के लिए नहीं खाना है, टेस्ट के पीछे भागोगे
तो टेस्ट के पीछे दौड़ोगे, टेस्ट और टेस्ट, ये फर्क जाना। जीप का टेस्ट बीमारी बनेगी गेस्ट, है ना, डॉक्टर बोलेगा टेस्ट, हमारा पैसा वेस्ट, इसीलिए हिंदुस्तानी ट्रेडिशनल खाना घर का खाना इज बेस्ट। रिलैक्स हो जाओ, फिर से आप सुखासन में बैठिए जैसे बैठे हैं। खाने के पहले मंत्र बोलते थे, मैं लास्ट में बोल रहा हूँ आज, ओम शरणागतम। आंख बंद करिए, ध्यान मुद्रा, मैं पहले बोलूंगा आप लास्ट पीछे बोलना। ओम सनावतु सनो गुणतु सह वीर्यं करवावहे मा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ शांति शांति शांति। मुझे एक सवाल है, ये आजकल की जो लेडीज है कोई खाना बनाने को तैयार नहीं है, अपने बच्चे को भी सिर्फ मैगी और चिप्स के पैकेट देती है, उसके लिए स्विगी चालू हो गया, सब मंगा के देते हैं और वो प्रॉब्लम चालू हो गया। रोना आता आजकल की लड़कियों, उगड़ा डोले बघा नीट बोल रहा हूँ इतना, इसलिए लेक्चर अटेंड करिए। मैं अब मैगी बोल रही हूँ ना, ठीक है, मैंने क्या बोला, दो इट इज सफोला दैट इज बैड फॉर यू, आप नहीं नहीं देखो, हम भी बच्चे थे, नानी दादी जो भी थे मैदान में मार भी पड़ती थी, समझ रहे हो, आप मोबाइल थमा देते हो, आप स्वार्थी बनो ना थोड़ा, अपना बच्चा अच्छा हो, शिवाजी दूसरे के घर में पैदा मत करो ना, अपने बच्चों को भी शिवाजी जैसा बनाने की कोशिश करो, उसके लिए जीजाऊ माँ बनना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आपको पैर से थापा भी लाफा भी मारना पड़ेगा और पैर से पीठ थपथपाना भी पड़ेगा, आप डिसाइड करो। देखो आपको अन्नपूर्णा बोला गया है, शास्त्र ऐसे ऐसे नहीं बोला है कि आप मैगी दो आप अन्नपूर्णा है, नो, देखो शरीर यानी तन, जैसे खाए अन्न वैसे बने तन और मन, उसके साथ में जाते जाते मैं और एक जो WHO ने हेल्थ की डेफिनेशन दी है ना, उसमें हेल्थ मीन्स व्हाट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड को फिजिकल मेंटल सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग बोला गया है। कुछ साल पहले स्पिरिचुअल वर्ड नहीं था, उन्होंने हमारा आयुर्वेद से आधार ले लिया, सम दोषा समिश सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे। स्पिरिचुअल हेल्थ भी होता है खुद का, वो भी हेल्दी होना चाहिए, इसलिए तो डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, इसलिए तो नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव थॉट्स, व्हाई साइकोलॉजिस्ट आर मोर, क्या जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की, एलोपैथी में वो मन को मानते नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा सबसे बड़ा मैं बोलूंगा डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी, यदि आप मन मानते ही नहीं हो तो उसका डिपार्टमेंट कैसे हो गया, इट डिपेंड्स अपॉन यू, रिमोट इज इन योर हैंड, टीवी में क्या आ रहा है वो अपने हाथ में नहीं है, आप बटन दबाया आस्था चैनल भी देख सकते हैं, बटन दबाया फैशन टीवी भी देख सकते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन यू, डोंट ब्लेम अदर्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके अंदर जा रिवाइव करो खुद को, आज बच्चा रोएगा चलेगा, उसको भूख तो लगने वाली है, और जब भूख लगेगी आप कुछ भी दे दो पहले खाएगा, नखरे नहीं करे, नखरे करेगा, आप बच्चे को जानते हैं बहुत नखरे करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए करते हैं, हमेशा नहीं करते, और ऐसा है ना उनको आजकल ये जो मॉडर्न साइंस और जैसे मॉडर्न पीपल बोलते हैं, आप भी थोड़ा मॉडर्न बोलो हो जाओ, आयुर्वेद का आधार ले लो, पिज्जा चाहिए तो कैसे बनाना है क्या बनाना है क्या मिक्स करना है वो ढूंढो,
म्यूचुअल कॉम्बिनेशन जो होता है, म्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वो आप करो। किचन इज नथिंग बट वेरी बेस्ट फार्मेसी इन द वर्ल्ड, देर इज नो नीड ऑफ एनी मेडिकेशन। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण किसकी जिम्मेदारी? हमारी खुद की है। आतुर से विकार प्रशन जो दैट इज डॉक्टर। केयर इज बेस्ट देन क्यूर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। तो ऐसे कारण थोड़ा सा ना आप स्ट्रिक हो जाओ, आपको डंडा लेना पड़ेगा। माँ बोला गए हैं भगवान के बाद में माँ का ही रूप होता है, वो माँ का रूप वहाँ उसको दिखना चाहिए। माँ को टीवी का सीरियल देखना होता रहता है, वो टाइम पैसे तो हेडेक बोलते हैं ना, हेडेक पहले हेडेक था क्या? नहीं था, वो कुछ अलग सा वेव्स था, आजकल वो कट ऑफ हो गया। उसको पहचानो, उसको जानो, उसको फील करो और उसके थ्रू जाइए। रणछोड़दास नहीं होना है, उसको थ्रू जाइए ना। एक दिन तकलीफ होगी, दो दिन तकलीफ होगी, आपको समझे कि इसको क्या पसंद है वो बना दो, समझ रहे हो ना। अब क्या प्राउड फील करते हैं, मैं बच्चे को सर 10 रुपए का चॉकलेट देता हूँ, इसमें क्या प्राउड फील है भाई? यू आर गिविंग पॉइजन टू योर बेबी। आपकी और एक उम्र, कैडबरी ले लो 10 रुपए का, थोड़ा बड़ा साइज का, उसके पीछे आप पढ़ो, उन्होंने एक फ्लैप दिया है, उसके फ्लैप के नीचे भी पढ़ो। इतने होशियार है वो लोग, दे आर मेकिंग मनी, दे आर नॉट बॉदर अबाउट यूर हेल्थ। आप पढ़ो जाके करके कैसे बना है, उसमें क्या क्या डाला गया है, क्यों बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। इवन कोई भी प्रोटीन पाउडर भी ले लो। अरे प्रोटीन पाउडर हमारे दादी माँ जो बनाती थी ना लड्डू, बनाते हैं अभी भी, सबसे बेस्ट चना। जानते हैं प्रोटीन कितना है? इसको बॉडी बिल्डिंग करना है ना, चना दूध क्या जरूरत है, अंडा वगैरह वो सब प्रोटीन पाउडर, क्रिएटिन रहता है उसमें। सिर्फ मांस बनता है, हेल्थ नहीं बनती है। जितने भी आप रिकॉर्ड देखेंगे, गूगल सर्च करिए, जितने भी ये बॉडी बिल्डर हैं सब, सब के सब कुछ ना कुछ डिसीज से मरे हुए हैं और बहुत बैड हालत में मरे हुए हैं। आई एम नॉट टेलिंग दैट ओके। इसलिए हेल्थ सोचो, हमारा टाइम नहीं जा रहा है, हम कैसे करें, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, नहीं होंगे तो पूछो, ठीक है। अभी ठंडी के मौसम में थोड़ा सा और है, अभी ये जो कल्चर है हमारा, अभी श्रावण चालू होगा, इसी में बहुत सारे उपवास आ जाते हैं भाई, उपवास सीखने सारे चातुर्मास वगैरह वगैरह वगैरह, बिकॉज ऋतुचर्या, इस ऋतु में हमारी डाइजेस्टिव पावर बहुत वीक होती है। पत्तियों वाली सब्जियां नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, लेकिन हम उपवास कर रहे हैं, साबूदाना खा रहे हैं, समोसा भी मिल रहा है, वड़ा भी मिल रहा है। अरे ये बिजनेस हो गया, क्या प्रॉब्लम है आपको फूड खाने में? साबूदाना इज नॉन वेजिटेरियन फूड, आप खाएंगे क्या उपवास के दिन? मत खाओ ना। सीरियल्स कितने सारे हैं, उसको कुछ भी बना लो आप, लड्डू राजगीरा लाडू सबसे बेस्ट, उपवास के लिए हल्का भी है, थोड़ा सा घी लगा, फ्रूट्स खा लो, नो जूसेस, फ्रूट्स। इसके पीछे साइंस है। दिवाली में इतने सारे तले हुए खाते हैं, दिवाली में क्यों? दिवाली में ठंड की मौसम में हमारी फायर जो होती है ना पीक हो जाती है, समझ रहे हो। अब अभी नागपंचमी होके गया महाराष्ट्र में, उसको ना ज्वार के फ्लैक्स बनाते हैं, उसको पूजा करते हैं गुड़ में मिक्स करके। ये ऐसे ही नाको खिलाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, वो तो अपने लिए है। गुड़ और तिल्ली, तिल्ली के लड्डू मकर संक्रांति को, वाई उसी बहाने कम से कम एक बार तो खाओ यार महीने में, हमको तो रोज खाना है वैसे उस समय में। इसका भी रिबिलिंग हम करेंगे जब अब नया साल शुरू हो जाता है। जानते हैं महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वे के दिन सबसे कड़वी कड़ू नीम का पत्ता, उसकी चटनी खिलाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी पित्त का प्रकोप होने वाला है, अभी सावधान हो जाओ, ये चटनी आप इस्तेमाल करो। चटनी कितना देते हैं? 1 चम्मच हार्डली, 3 to 4 grams हार्डली, वो खाना है पूरा समर वैकेशन विदाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक और जो गर्मी की बीमारियां, लू लगना, ये लगना, वो लगना। दूसरी चीज सबसे बढ़िया, सबकी पसंदीदा, चाय के बिना तो कोई रह नहीं सकता। आज से चाय बनाने की विधि चेंज करो। चाय कैसे बनाते हैं? पानी, वो चाय पत्ती जो भी हो, दूध, इतना सारा खोलाते कि बहुत सारा। चाय कैसे बनाने पता है? प्रॉपर विधि ऑफ टी मेकिंग, पानी उबालो, कप में ले लो, तब जाके आधा चम्मच, 1 चम्मच जो भी चाय पत्ती आपकी ब्रांड हो वो डालो, लेकिन कूल या वार्म। उसके बाद में थोड़ा सा शक्कर डालो,
ठीक है, शक्कर इज एक्चुअली बैड, कैंसर ही बोलो, ठीक है, मैं गुड़ बोलता। और जरूरत है, यदि गुड़ नहीं यूज कर रहे तो दूध, दूध की चाय इंडिया के सिवा बाहर कहीं नहीं बनती है, ना हमको दूध का फायदा मिल रहा है ना हमको चाय का फायदा। चाय इज गुड, इसका मतलब ये नहीं है मेरे पास ना 20 कप्स लेने वाला टी मैन, उसको टी मैन बोलेंगे, अचार एक कटोरा भर के, दही, अरे दही के सिवाय तो जमता नहीं, हैविंग सोरेसिस, अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, वाई सो मेनी चॉकलेट्स, सो मेनी आइसक्रीम, अनसीजनल, ठंडी के मौसम में आइसक्रीम खा रहे हो और प्राउड फील कर रहे हो, तुम्हारा जैसा तो मूर्ख कोई दुनिया में है ही नहीं, सीधी बात है ना। मॉडर्न मीन्स वॉट, मॉडर्न मीन्स वॉट, यू आर चीटिंग यूर सेल्फ, चीटिंग यू आर चीटिंग नॉट अदर्स, ये ध्यान में रखो। आइसक्रीम खाओ ना, जैसे होली हो जाएगी उसके बाद में पेरीगा बना, ठंडई, ये तो हमने बोला ही है ना, तो मॉडर्न वर्जन खा लो आइसक्रीम, थोड़ा सा और जाइए उसमें डिटेलिंग में, कोई भी आइसक्रीम मत खाना, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड, अमूल का दूध का आता है, अभी उसने बहुत चेंजेस किए हैं, ऑलरेडी बहुत सारी केसेस हो रही है ना, तो ये फूड इंडस्ट्री भी बहुत सारी कॉन्शियस हो रही है, लेकिन हम इसी हो रहा, बूढ़ा डोले बगान नहीं, हम आँख होते हुए भी अंधे हैं, कुछ नहीं देखते। रिफाइंड ऑयल बनने की प्रोसेस जानते हैं, कितना खोलाते हैं उसको, उसके क्या क्या केमिकल डालते हैं, और अनरिफाइंड ऑयल आप आँख बंद करके पहचानेंगे, राई का तेल है, एक सिंगदाने का है, एक जौ का है, पहचान सकते हैं, क्योंकि उसकी एक अलग सी खुशबू आ जाती है, वो स्मेल आ जाती है, वो स्मेल नष्ट करने के लिए और सारे केमिकल्स, डू यू नो नियर अबाउट 16 केमिकल्स आर एडेड, पानी जैसा होता है तेल, कोई उसको ये नहीं है, ध्यान में, क्यों, और ADEK ऐड कर जाते हैं, सौरभ गांगुली ने वो फॉर्च्यून का ऐड किया था, खुद सौरभ गांगुली को दो बार अटैक आ गया। डिफाइंड इज ऑलवेज बैड, वो जो प्रोसेस है ना, इवन वड़ा का आप घर में वड़ा बना लो ना, दैट इज गुड, क्योंकि एक ही बार ही खुलता है ना, बाहर का वड़ा दे ऑलवेज मेकिंग जस्ट दिन भर, उसमें ट्रांसफैट हो जाता है, और ट्रांसफैट क्या करता है, सीधा हार्ट की और ब्रेन की तरह से ब्लॉक कर देता है, आप जो खोला हुआ बहुत सारा तेल है ना, वो कभी बेसिन में नहीं डालते हैं, ध्यान रखना, बेसिन ब्लॉक हो जाती है सुबह उठ के, तो हमारा शरीर है, ये जो यंत्र दिया है भगवान ने, इतनी सारी मिरेकल्स है, तो हम ध्यान नहीं देते, खुद का ध्यान नहीं दे रहे भाई, व्हाट हैपनिंग, इसलिए आज से आपने खुद का ध्यान देना, अपने फैमिली का ध्यान देना, अल्टीमेटली अपने समाज का ध्यान हो जाएगा, अपने राष्ट्र का ध्यान हो जाएगा। थैंक यू। आप व्हाट्सएप करो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनील जाधव जी, जिन्होंने अपना अमूल समय निकालकर अपने यहाँ पर जो बाबा के ज्ञान में भोजन का महत्व बताया है, कैसा सात्विक भोजन हम लेना चाहिए, उसी की कड़ी पकड़कर इन्होंने इतना सुंदर अनुभव अपना शेयर किया। मैं कलवा सेवा केंद्र की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और उन्हें अपने अमूल्य विचार प्रकट करने के लिए या लोगों को बांटने के लिए वापस हम उनको समय देंगे, तब वो निमंत्रण करते हैं कि आप जरूर आइए। और आज इस जगह पर जो नए आए हैं, जो पहली बार डॉक्टर साहब के तरफ से आए हैं यहाँ सुनने के लिए, उनके लिए यहाँ पर एक राजयोग मेडिटेशन केंद्र की तरफ से कलवा, यहाँ उनको राजयोग सिखाया जाता है, वो विनामूल्य है, तो उसका अनुभव करने के लिए या यहाँ पर क्या चलता है इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो एक घंटा यहाँ पर आकर के विनामूल्य अपना ज्ञान ले सकते हैं और अपना जीवन परिवर्तन कर सकते हैं। तो उनको भी मैं निमंत्रण देता हूँ कि हमारे सेवा केंद्र पर आप लोग रेगुलर 7 दिन जरूर आइए और ये मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। ओम शांति।